नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। नरेश मेहन की है मोबाइली कौवे। होकर शहर के पब्लिक पार्क में एक पीपल के पेड़ पर आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अधिकतर युवा कौवों ने मांग उठाई कि हमें संदेश देने बहुत दूर उड़ उड़ कर जाना होता है। जब हम संदेश देने के लिए काँव-काँव करते हैं तो घर में इतने एसी लगे होते हैं कि उनकी गर्म हवा सीधे हमारे गले में जाती है, जिससे हमारा प्यास के मारे बुरा हाल हो जाता है, हमारा गला सूख जाता है। हम मानव द्वारा फेंका भोजन जो बासी व रासायन युक्त होता है वही खाते हैं, जिसके कारण अब हमारे पंखों में इतनी ताकत नहीं रही कि हम लंबी दूरी तक उड़ सकें। सभी कौओं ने एक साथ कहा, न तो हम दूर तक उड़ सकते हैं, न ही ज़्यादा देर तक काँव-काँव कर सकते हैं। धरती पर मानव के पास सभी प्रकार के आधुनिक यंत्र हैं, हमें उनके साथ तालमेल बिठाने में बहुत सी समस्या आ रही है। हमें भी मोबाइल दिया जाए, हमारे मोबाइल में काँव-काँव की एक डायल टोन लगा देनी चाहिए। जब मेहमान दूसरे शहर किसी से मिलने जा रहा होगा, तब आप व्हाट्सएप द्वारा सभी एक दूसरे को मोबाइल से संदेश दे सकते हैं। इससे समय की बचेगा और संदेश भी शीघ्र पहुंचेगा। हम उसके घर जाकर मोबाइल टोन बजा दिया करेंगे। वैसे तो अधिकतर लोग, शहरी लोग, मेहमान के आने पर खुश नहीं होते, लेकिन मानव को शुभ संदेश देना हमारा कर्तव्य है। कौवे के प्रधान को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगा, धरती का तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, हमारे कौवों को यूं परेशान नहीं करना चाहिए। उसने एक आदेश दे दिया कि सभी को एक एक मोबाइल दे दिया जाए, जिससे कि संदेश देने में आसानी रहे और मानव सेवा का हमारा कर्तव्य भी पूर्ण हो जाए। अब सभी युवा कौवों के पास मोबाइल आ गया और वह मोबाइल लेकर अपने अपने शहर चले गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने यह संदेश घर घर जाकर दिया। उसके बाद युवा व बच्चे कौवे मोबाइल पर गेम खेलने और यूट्यूब चलाने में मस्त हो गए। कुछ दिनों बाद कौवों के प्रधान के पास यह होने लगी कि संदेश नहीं पहुंच रहे हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी ने संपूर्ण मामले की जांच की तो पता चला कि जिन युवा कौवों को मोबाइल दिया गया था, वह मोबाइल पर यूट्यूब पर फिल्में देखते हैं और गेम खेलते हैं। उनके बच्चे भी यही कुछ करते हैं। इस कारण युवाओं व बच्चों की आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। कौवों के प्रधान ने तत्काल से आदेश दिए कि सभी से मोबाइल वापिस ले लिए जाएं और उनको किसी उजाड़ कुएं में फेंक दिया जाए। अगर यही हाल रहा तो हमारी कौवों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। हमें कुदरत ने सबसे तेज आंखों की रोशनी दी है। अगर हमारी आंखों की आंखें ही खत्म हो जाएगी तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य के अधिकतर बच्चों के मोबाइल के कारण आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। हमें मनुष्य की तरह अपनी आंखें नहीं खराब करनी है। अगर प्रकृति का कोई संकट आने वाला होता है तो हमें सबसे पहले ही आभास हो जाता है। हम बहुत देर तक काँव-काँव कर मानव को सचेत करते हैं। हमारे लिए शायद खाना भी अति आवश्यक है। मोबाइल के कारण हमारे युवा कौवे शायद खाने भी नहीं गए। इससे मानव की भावना को ठेस लगी। ऐसा होना हमारे लिए गलत है। हमें पहले अपने आप को बचाना है, इस आधुनिक यंत्र से दूर रहना है। सभी ने प्रधान की बात को स्वीकार किया। युवाओं ने अपनी गलती मानी और कहा, अब हम कभी भी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे और काँव-काँव ही करेंगे।